नमस्कार दोस्तों, रीस्पेशन एकेडमी की मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रयास के पहल की, संकल्प को पूरा करने की जिद की और सफलता के शिखर पर पहुंचने की एक कहानी की। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी प्रयास करना प्रारंभ करते हैं तो इसे जीवन में कभी देर हुआ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रारंभ करते हैं उसके बाद आपकी जिंदगी को बदलने का पूरा रास्ता साफ होता है, पूरी की पूरी संभावनाएं विद्यमान होती हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप बिजनेस के क्षेत्र में किसी स्टार्टअप की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा को सफल होने की हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में किसी सहयोग की हो, आप जब भी कोई भी पहल और प्रयास करते हैं तो वह पहल और प्रयास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपके इरादे नेक हैं। और उन नेक इरादों के साथ मेहनत और ईमानदारी का एक मार्ग है, एक माध्यम है, उस पर चलने की आपके पास मादा है, जज्बा है, विश्वास है, तो निश्चित तौर पर आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और उन ऊंचाइयों पर पहुंच करके अपने उन सपनों को साकार कर सकते हैं जो लंबे समय से आप अपने मन में संजोकर रखे हुए हैं। कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान छूने की, उसे कभी भी डर नहीं होता है जमीन पर गिर जाने की। इतिहास में आपने क्या किया ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है, आप वर्तमान में क्या सोचते हैं और क्या करने का प्रयास करते हैं ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप नेक इरादे के साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां भी आपका सहयोग करती हैं, लोग और परिस्थितियां आपके साथ चलने के लिए विवश होती हैं। अगर इसे एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास किया जाए तो बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो रंगमंच पर और पर्दे पर हमेशा एक नकारात्मक किरदार प्रस्तुत किया, लेकिन जब देश को जरूरत थी तो उस समय उसने एक ऐसा साहसिक कार्य किया जिसमें वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की, जो कि सिल्वर स्क्रीन पर अपने जीवन में तमाम फिल्मों में, चलचित्रों में एक नकारात्मक, एक नेगेटिव रोल प्रस्तुत करने का काम किया, लेकिन जब असल जीवन और जिंदगी में जो है लोगों को जरूरत थी तो उसने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपने पैर को जमीन पर रख करके ऐसा कार्य प्रस्तुत किया जो कि न केवल साहसिक था बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, इवन की परिवहन के साधन को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से वह लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया और डर के साए को उनके ऊपर से हटाने का काम किया। और ऐसा करके वह आम जीवन में चलचित्रों में जो है बने रहने वाले हीरो से भी अपने कद को काफी ऊपर उठा लिए। यह कार्य था उनके 10 महीने के प्रयास का। तो निश्चित तौर पर आपका प्रयास इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप शुरू करते हैं तभी आपके लिए सवेरा है, उसे कभी देर हुआ नहीं कहा जा सकता है। बस आपके लक्ष्य में जिद होना चाहिए, आपके इरादे नेक होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें मेहनत और ईमानदारी होना चाहिए। तो यह संक्षिप्त वीडियो आप लोगों के लिए एक बेहतर संदेश लेकर के आने के लिए मैंने बनाया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि इससे आपके जीवन में एक दिशा प्राप्त होगी जिससे चल करके आप अपने लक्ष्य को प्रयास करेंगे और उसे पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः हम इसी प्रकार की बात को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने का प्रयास कीजिए।